सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स नॉट 12 प्रो 5G मोबाइल को रीसेट कैसे किया जाता है, यानी कि दोस्तों आप अपने मोबाइल को रीसेट ऑल सेटिंग 5G डाटा कैसे करोगे। दोस्तों रीसेट करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपके मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम ए टू जेड होने लगती है, तो दोस्तों आपको रीसेट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर दोस्तों आप चाहते हो अपने मोबाइल को रीसेट करना, तो इसके लिए आपके यहाँ से अपना सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पे रीसेट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ से आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे दोस्तों पहला ऑप्शन है आपको रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ। अगर दोस्तों आपको रीसेट वाईफाई एंड ब्लूटूथ से प्रॉब्लम है, उसको यहाँ से रीसेट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है रीसेट ऐप परफॉर्मेंस। दोस्तों यहाँ से अगर आपको ऐप में कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ से रीसेट दूसरे नंबर को रीसेट कर सकते हो। अगर दोस्तों यहाँ पे आपको रीसेट कैलिब्रेशन परमानेंट पैरामीटर्स में प्रॉब्लम है, तो यहाँ से दोस्तों आपको तीसरे नंबर पे रीसेट कर सकते हो। अगर दोस्तों आपका मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो रही है, हैंग कर रहा है, ए टू जेड कुछ भी हो रहा है, तो आपके यहाँ पे इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे इस पर क्लिक कर दोगे, तो दोस्तों आपका मोबाइल ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, और दोस्तों उसके बाद आपके मोबाइल में कुछ भी नहीं बचेगा, ए टू जेड कुछ भी रहेगा तो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आपके मोबाइल में अगर कोई भी पर्सनल चीज़ है, तो आपको इसको शेयर कर देना है किसी दूसरे मोबाइल में, तभी आपको रीसेट करना है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने इन्फिनिक्स नॉट 12 प्रो 5G मोबाइल को रीसेट कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिले, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।